हेलो बच्चों, मैथ सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 6 NCERT 10th क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर द कंपोजिट नंबर। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ठीक है, तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, दो फैक्टर कौन से? एक तो वो खुद होता है और एक वन होता है। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं। ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, ये अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। कम से कम तीन फैक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, दो फैक्टर नहीं, कम से कम तीन। तीन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2, 3 तो होंगे ही, कम से कम दो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा जो फोर न, जो फोर है वो हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि फोर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वन, तो वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में आता है, और फोर के टेबल में भी आता है। इसके कम से कम तीन नंबर, तीन तीन फैक्टर है, तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसके कम से कम दो से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तभी ये कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी है। ठीक है, तो 13 ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 × 11। ठीक है, यहाँ तो ले लिया, प्लस यहाँ से जब ले लिया तो यहाँ क्या बचा? वन। तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 11 जा कितना होता है? 77 + 1, तो 13 × 78। ठीक है, तो 13 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 78 के फैक्टर हो जाएंगे क्या? क्या 13 × 6 हो जाएंगे, है ना, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको दिख रहे हैं कि भाई दो से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं। तो हम बोलेंगे दिस एक्सप्रेशन इट शोज दैट, इट शोज दैट मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिमिलरली यही काम हमें इस एक्सप्रेशन के साथ करना है। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 × 6 × 4। 5 तो ले चुके हैं बाहर, 3 × 2 × 1, और ये 5 यहाँ से चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1 बचा। इसको कर लो मल्टीप्लाई, 7 × 6 = 42। ठीक है, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 2 × 3 = 6 = 24, 24 × 6 = 144, 144 × 7 ये आ जाएगा 1008। ठीक है, प्लस 1, तो 5 × 1000 क्या? 9। ठीक है, 5 × 1009। ठीक है, अब इसके तो सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर देख रहे हैं, तो कम से कम एक फैक्टर तो और हो सकता है ना। इसको लिख सकता हूँ 5 × 1 लिख दो, या फिर इसको 1009 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लो यहाँ पर, तो कम से कम इसके दो से ज़्यादा तो फैक्टर हो ही रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1009 × 1। ठीक है, तो कहेंगे दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो शोज दैट मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, थैंक यू।